हाय गाइस, आज मैं आपको दिखाने रहा हूँ ब्लेंडर में किसी भी लाइव शॉट पे हम लोग 3D कार, 3D ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करते हैं। जो प्रोसेस होता है वो मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ब्लेंडर को। ब्लेंडर क्लोज करने के बाद फिर से नया ब्लेंडर ओपन करते हैं हम लोग। ब्लेंडर ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन शो किया। हमें इस पर कहीं भी क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको बाहर क्लिक करना है। बाहर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। हमें ये कुछ भी चाहिए नहीं, लाइट, क्यूब, कैमरा, हमें कुछ चाहिए नहीं। इसको आप लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, या फिर आप इसको कीबोर्ड में ए बटन प्रेस करने से, ए का मतलब यहाँ पे होता है कि ऑल सिलेक्ट, शॉर्टकट की है ब्लेंडर का ऑल सिलेक्ट, ए मतलब, तो इसको आप ए प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हो। ओके, डिलीट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लगइन AE2 Blend। इस प्लगइन से हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रैकिंग करेंगे आफ्टर इफेक्ट में, वो ट्रैकिंग का डाटा हम लोग यहाँ पे लाके इसकी मदद से लाइव शॉट एंड 3D सीन को ऐड करेंगे। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है प्लगइन, मैं आपको बताऊंगा आगे। और इस प्लगइन का जो लिंक है वो डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो क्या करना है, अब ओपन करते हैं आफ्टर इफेक्ट। कोई भी आफ्टर इफेक्ट आप ओपन कर लेना। आफ्टर इफेक्ट ओपन होने के बाद इसको क्लोज कर देना। यहाँ पे देख सकते हो तो लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है जो भी आपने सूट, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कंपोजिशन के ऊपर। जो भी साइज उसके अंदर रहेगा ऑटोमेटिकली साइज वो ले लेगा। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली साइज इसने ले लिया है। सो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप देख सकते हो शॉट ये है आपका जो मैंने सूट किया है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो इफेक्ट एंड प्रीसेट लिखा हुआ है। अगर आपके पीसी में शो नहीं करता है तो आपको आना है विंडोज के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये अगर अनटिक रहता है तो आपका शो नहीं करेगा, अगर टिक रहता है तो शो करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैमरा, लिख दो सिर्फ कैम, लिखते ही आपका 3D कैमरा आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर करना है। करने के बाद एक बार यहाँ पे आप क्लिक कर देना जिससे आपका अच्छे से ट्रैकिंग कर सके ये। तो ट्रैकिंग आपका डन हो गया है। ट्रैकिंग डन होने के बाद एक बार चेक कर लो आप देख लो कौन सा पॉइंट्स लोग है जिससे आपको हर फ्रेम पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ का पॉइंट्स मुझे, इस एरिया का पॉइंट मुझे हर फ्रेम शो कर रहा है, मैं यहाँ का पॉइंट्स ले लेता हूँ। ओके, ये 3 सही लग रहा है मुझे, ग्रीन कलर का जो है। आप रेड ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस चेक कर रहा हूँ जो अच्छा लग रहा है मैं वो ले रहा हूँ। तो आप कोई भी ऐसे ले सकते हो। मैं इसको लेके राइट क्लिक करके क्रिएट द सॉलिड एंड कैमरा, देख सकते हो आपका यहाँ पे आ गया ऐसा। अब क्या करो, यहाँ थोड़ा सा नीचे आओ, ट्रांसफॉर्म इसको थोड़ा सा सेट कर लो बीच में, क्योंकि हम कार को मिडिल में बिठाएंगे तो उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं, क्योंकि इसी प्लेन के ऊपर हमारा शेडो क्रिएट होगा, इसलिए हम इसको एक बार सेट कर लेंगे अच्छे से। स्केल थोड़ा कर लो ऐसे आप। इसको आप इतना सेट कर लिए। सेट करने के बाद जो भी हमारा कार का रिफ्लेक्शन शेडो आएगा वो इस ग्राउंड पे क्रिएट होगा, इसलिए हमने उसको सेट किए है। ओके, अब सेट करने के बाद इसको आप क्या करो, ऐसे क्लोज करो। अब यहाँ पे जो कैमरा ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करना आपको है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना है, इस दोनों वैल्यू को कॉपी करना है, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, शिफ्ट प्रेस लेफ्ट क्लिक, दोनों को फर्स्ट फ्रेम पे आप यहाँ पे आ जाओ। कंट्रोल सी करना है, आपको आना है ब्लेंडर के अंदर। यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ क्रिएट कैमरा, इसमें बस लेफ्ट क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैमरा क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमारा जो आफ्टर इफेक्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है। इसको आप मूव कर लेना एक फ्रेम पे, नहीं तो क्या होगा, आपका जो कैमरा है वो थोड़ा हिलेगा, तो इसीलिए इसको सेट कर लेना। अब ये जो प्लगइन है इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ एक बार। यहाँ आने पर एड ऑन के अंदर मेरा, इसको मैं स्ट्रैक कर लूँगा, राइट क्लिक ओपन विथ, इसको मैं ऐसे स्ट्रैक कर लूँगा। करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, कंट्रोल सी से पाथ को कॉपी कर लेना है, ब्लेंडर के अंदर आना है आपको।
यहाँ पे आना है एडिट के अंदर, यहाँ आना है प्रेफरेंस के अंदर, यहाँ पे लिखा है एडऑन्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे है स्टॉल, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पाथ को पेस्ट करना है कंट्रोल वी से, यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टॉल यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, आपको ऐसा 200 करेगा, आपको जो भी लगता है आप एक में क्लिक करके इसको स्टॉल एड ऑन कर लेना। मेरा ऑलरेडी स्टॉल किया हुआ है तो शायद ये वर्क नहीं करेगा, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऐसा शो करेगा और यहाँ पे आपका वो प्लगइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे अभी मेरे यहाँ पे नहीं आया तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो आपको उसको टिक करना जरूरी है, अगर टिक नहीं करते हो तो आप प्लगइन काम नहीं करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वो स्टार्टिंग में शो करेगा, बस आपको उसको टिक कर देना है। अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो वो शायद शो नहीं करता, तो आप उसको एक बार ऐसे लिख के एक बार ऐसे टिक मार दोगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। ब्लेंडर क्लोज करना, ओपन करना, फिर आपका यहाँ पे शो करेगा। ओके, सो अब आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोगों ने कैमरे को यहाँ पे ऐड कर दिया, अब हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे इसको बंद करते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चार ऑप्शन को कॉपी करना है। फर्स्ट ये वाला शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से 2 3 4, चारों कॉपी कर लेना कंट्रोल सी से। इसको मिनिमाइज करना, ब्लेंडर में आना आप, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ क्रिएट प्लेन, अब इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे ऐसा क्रिएट हो जाएगा प्लेन आपका। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा ऊपर आना है, इसको करना है यहाँ पे कैमरा जो ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है, इसको यहाँ पे ऑप्शन दे क्लिक करना है, यहाँ पे कैमरे पर क्लिक करना है। कैमरे पर क्लिक करने के बाद कैमरा आपको यहाँ पर शो करेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ दिया फोकल लेंथ, हम लोग आएंगे आफ्टर इफेक्ट में एक बार, इसको बंद करेंगे, कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आएंगे लेयर पे, कैमरा सेटिंग के अंदर आएंगे, यहाँ जो फोकल लेंथ दिया हुआ है इसको कॉपी करेंगे, कैंसिल करेंगे इसको, यहाँ पे जो फोकल लेंथ है यहाँ बस पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट करने के बाद हमें जो जो शूट की है हम लोग उसको यहाँ पे ओपन करना है, तो यहाँ पे कैमरा पर सेलेक्ट रहेगा, यहाँ दिया हुआ बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आपको आना है बैकग्राउंड इमेज में क्लिक करना है, ऐड इमेज में करना है, मूवी क्लिप में करना है, ओपन के अंदर आके जहाँ पे आपका पाथ दिया हुआ है वहाँ पे आपको शॉट को ओपन कर लेना है। ये करने के बाद इसको आप फुल कर दो, फिट कर दो, इसे ओपन कर दो, बस यहाँ पे आपका शॉट यहाँ शो नहीं कर रहा। तो अब क्या करना है आपको ना, यहाँ पे प्रेस करना है 0, 0 प्रेस करते ही आपका शॉट शो करने लगेगा। यहाँ पे जब प्ले करोगे आप देखो ऐसा शो कर रहा है। अब इसका एंगल मेरा यहाँ पे सेट था इसके लिए अभी यहाँ पे आ गया है, पर कोई बात नहीं, अभी हमारा शॉट कितना फ्रेम का है, 130 फ्रेम शॉट है, तो मैं चाहता हूँ कि 120 तक रखूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 120 कर दो आप। अब शॉट प्ले करो, आपका आ गया। अब हमें ना जो हमारा व्यू पॉइंट है वो देखो यहाँ पे है, और हमारा जो इमेज प्लेन कैमरा वो साइड में है, तो हमें इसे अलाइन करना पड़ता है, मतलब चाहते हैं कि हम लोग पूरा सेट ना हमारे इसके बीच में रहे, तो कैसे होगा देखो। अभी क्या करना है आपको, एक ब्लैंक यहाँ पे प्रेस करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, यहाँ पे आपको आना है एमपीटी के अंदर, यहाँ पे क्यूब लेना है। क्यूब लेने से पहले आपको कर्सर पे आना है, कर्सर जो पोजिशन यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम लोग चाहते हैं यहाँ पे करना, पहले यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो आप, तो कर्सर सेलेक्ट था, लेफ्ट क्लिक किया, कर्सर मेरे यहाँ पे आ गया। अब आना आपको मूव टूल सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, अब एमपीटी पे आना है, क्यूब पे आना है, इसको एस और लेफ्ट क्लिक से इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे हम लोग। ओके, अब क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ओके, अब क्या करो आप, कैमरा को सिलेक्ट करो कंट्रोल से, यहाँ पर जो प्लेन दिया है इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल से, सबको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ कैमरा को सिलेक्ट करना है कंट्रोल से, प्लेन को सेलेक्ट करना है कंट्रोल से, और इसको लास्ट में सेलेक्ट करना है, और हम लोग पैरेंट कर देंगे। अब आपको आना है कंट्रोल पी प्रेस करना है, और यहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। ओके, जैसी करोगे आप, अब इसको सिलेक्ट करोगे आप एमपीटी क्यूब को, तो सारा कुछ मूव होगा, आपको भी दिख रहा है क्योंकि हम लोग भी कैमरा मोड पे। अब इसको 3D व्यू पे आ जाओ, अब इसको एक बार ऐसे पकड़ो, अब देखो सॉरी सेलेक्ट करो इसको, अब देखो ये आपका कैमरा प्लेन सब साथ में जाएगा। तो क्या करना है, हमें पे चेंज करना है मोड, हमें अपना क्यूब सेलेक्ट करना है, ऊपर जाना है, यहाँ पे आना है हमको बीच में रखना है, फिर यहाँ मोड चेंज करो, यहाँ बीच पे रख देना है मिडिल पे। ओके ओके ठीक है, हम लोगों ने मिडिल पे सेट कर लिया पोजिशन का। अब 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा गला गया सिर्फ, अब थोड़ा सा साइज इसका हम लोग इंक्रीज करेंगे प्लेन का, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्केल है थोड़ा स्केल यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा 3D भी यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैं इसलिए इंक्रीज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ही शेडो आता है, अगर इसको आप डिलीट कर दोगे तो शेडो नहीं आएगा, शेडो का इशू हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से इसको मेंटेन करना है, इसके ऊपर ही शेडो आता है। ओके,
शेडो आपका इसी के ऊपर क्रिएट होगा, तब आपका ग्राउंड पे भी शेडो क्रिएट होगा। ओके तो इतना मैंने इंक्रीज ज़्यादा कर दिया इंक्रीज, कोई नहीं रहने तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, इतना कर देता हूँ ठीक है। फाइल सेव कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके सो अब हमें 3D कार और कैरेक्टर इस पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको पता नहीं कि कहाँ से मिलता है तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कार है फ्री भी मिल जाते हैं और पैसे देने पड़ते हैं कुछ कुछ के। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कार मिल जाएंगे, कार कैरेक्टर अरेंजमेंट के सूट सब मिल जाते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके सो मैंने ऑलरेडी दो तीन कार डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल में आना है, इंपोर्ट पाना है, जो भी फॉर्मेट अगर आपका OBG फॉर्मेट है तो OBG फॉर्मेट से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा उसी के थ्रू यहाँ पे ऐड करना आप। तो मेरा जो फॉर्मेट है वो शायद FBX है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, इसके अंदर 3D डेस्कटॉप पे आता हूँ, इसके अंदर आता हूँ 3D कार ब्लेंडर BMW सोर्स, इसके अंदर आता हूँ मैं, मेरा FBX फॉर्मेट था ये, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद आपको ऐसा शो करेगा, तो अभी कैसा है सब लेयर एक साथ मिक्स हो गया है, तो आपको कुछ अनसेलेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना सिंपली एम प्रेस करना है, न्यू कलेक्शन करना है, इसका एक नया लेयर बनाना है, ओके कर देना है। तो सारा कार जो था मेरा इसके अंदर आ गया, नया लेयर के अंदर। ओके अभी मैं इसको सेपरेट कर दिया हूँ, अब इसको एस प्रेस करके मैं इसको इंक्रीज करता हूँ साइज को, इसको मैं यहाँ से रोटेशन कर सकता हूँ, ये साइज को मेंटेन कर लो आप। अब कैसा है ना, ये कैमरा व्यू है, मुझे 3D व्यू भी साथ में चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे हो, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल, तो राइट क्लिक करना है, वर्टिकल पाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये मेरा कैमरा व्यू हो गया। ओके जिसको मैं मदद से चेक कर सकता हूँ कहाँ पर पोजिशन बैठा हुआ है, ये मेरा 3D व्यू कर देता हूँ मैं, जिससे मैं यहाँ पर अच्छे से इसको मैच कर सकूँ, पोजीशन सही से मैच कर सकूँ, इसलिए मैं 3D व्यू किया। तो दो व्यू ले लिया मैंने, ये मेरा कैमरा व्यू है, यहाँ से मैं इसको एडजस्टमेंट करता हूँ सही से। ओके अभी थोड़ा सा मूव करना है मुझे, तो मैं यहाँ से 3D व्यू में मूव कर सकता हूँ, ये 3D व्यू हुआ, थोड़ा सा रोटेशन करना है तो मैं यहाँ रोटेशन भी कर सकता हूँ इसको अच्छे से। ओके थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चला गया है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ कार को, थोड़ा सा नीचे इसको रोटेशन कर देता हूँ, ये आप अपने हिसाब से कर लेना एडजस्टमेंट। ज़्यादा प्लेन को सीधा ट्राई मत करना करने का, अगर करना चाहते हो तो आप इफेक्ट में ही पहले कर लेना, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो फिर आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। सो जो भी करना आप इफेक्ट में सही कर लेना। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके सो ये मेरा हो गया एडजस्टमेंट। ओके अभी ये मेरा सेट हो गया पोजीशंस का, अब इसको जब प्ले करोगे ना तो आपका सेम वैल्यू पे ही जाएगा, मतलब कुछ भी इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे, कुछ भी ऐसा शिफ्टिंग नहीं होंगे, ये आपका सेम ट्रैक पे जाता है। ओके देखो जा रहा है। ओके अगर आपको लगता है इसका पोजिशन थोड़ा सा आगे पीछे करना है तो आप इसको फिर से सिंपली कार सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इसको क्लिक करो, सब सेलेक्ट हो जाएंगे आपके, और इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज कर लो, थोड़ा सा इसको आगे पीछे भी कर सकते हो करना है तो, या फिर आगे भी कर सकते हो। ओके पर ये प्लेन को डिलीट मत करना, इस पर ही हमारा शैडो क्रिएट होगा, अगर आप इसको डिलीट करते हो तो शैडो क्रिएट नहीं होगा। ओके अब इसको हमको थोड़ा रियलिस्टिक बनाना है, सबसे पहले इसको हम ऊपर आ जाएंगे एक बार, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, हम लोग यहाँ लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इससे थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव होता है। ओके और यहाँ पर आपको सपोर्टेड कर देना है, यहाँ पे GPU कर लेना है, यहाँ पे आप इसको अपने PC के हिसाब से रखना, जैसे यहाँ पे लिखा हो मैक सैंपल, अगर आपका PC बहुत हाई है तो उसके हिसाब से रख सकते हो यहाँ पे, वैसे मेरा PC अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वैसा कर सकते हो, तो मेरा जैसे मैंने यहाँ पे 100 कर दिया। ओके 100 सही लगता है मुझे, इसमें क्वालिटी सही आ जाता है मेरा, तो मैं 100 कर दिया। ओके ओके सब कुछ प्रॉपर जा रहा है, अगर आपको लगता है कि उसका पोजिशन सही है, हर चीज़ आपको सही लगता है, तो अब हम लोग उसको करेंगे रियलिस्टिक। तो रियलिस्टिक करने के सबसे पहले हम लोग चेंज करना है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको आना है, क्या करना है यहाँ पे हमें करना है लास्ट ऑप्शन। ओके हम लोग इसको और रियलिस्टिक बना सकते हैं, अगर आपका PC थोड़ा सा हाई PC है तो अच्छा है आपके लिए, ये आपका अच्छे से वर्क करेगा, थोड़ा सा लो PC है तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो सकता है। ओके तो यहाँ पे सपोर्टेड रहने दो, यहाँ पे GPU रहने दो आप। ओके अब क्या करना है, ये भी सिस्टम के हिसाब से काम करता है, अगर आपका सिस्टम बहुत हाई है तो इसको आप
1024 रख सकते हो या फिर आप 100 के नीचे रख सकते हो, क्योंकि ये रेंडर होने में बहुत टाइम लगाता है। ओके 100 करता हूँ दोनों को। ओके अब क्या करना है, आपको करना है लास्ट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है हमें। और अब हमें क्या करना है, HDR मैप लेना है। HDR मैप लेने से क्या होगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी आएगा, थोड़ा लाइटिंग आएंगे सीन में और अच्छा देखने में लगेगा। आप देख सकते हैं ब्लैक दिख रहा है, अगर इसको आप रेंडर करते हो तो आपको ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि अभी है ना हमें इसको रियलिस्टिक करना है। अगर आप सोच रहे हो कि ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐसा दिख रहा है तो ये रियलिस्टिक नहीं दिख रहा है। आप रेंडर करोगे ना, मैं दिखाता हूँ रेंडर करके एक फ्रेम, तो देखो ये आपको ब्लैक शो करेगा, देखो ब्लैक शो कर रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमें इस ऑप्शन पे रिफाइन करना है। अगर यहाँ पे इस ऑप्शन पे जैसा दिखेगा वैसा ही आपको रेंडर होगा। ओके इस ऑप्शन से मतलब नहीं हमें कैसा होता है क्या होता है, इस ऑप्शन से मतलब हमें है। तो अभी यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है तो हमारा रेंडर ब्लैक दिखेगा, हमें यहाँ पे रियलिस्टिक करना है। सो मेरे पास बहुत सारा एजर मैप है जो डाउनलोड करके रखा है मैंने, यहाँ पे मेरा है, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे जाके पॉली हेवन में जाके। यहाँ पे बहुत सारे एजर मैप है, आपको जो भी लगता है यहाँ से आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो रिजल्ट मैप को। ओके सो मैंने बहुत सारा रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, इसको मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ। इसको यूज कैसे करना है, आप कोई भी शूट करते हो वहाँ भी आप 360 ऐप के थ्रू भी एजर मैप क्रिएट कर सकते हो खुद से फोटोशॉप पर जाके। ओके या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं उससे भी आप एजर मैप खुद से क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप शूट करते हो तो उसी एरिया का भी एजर मैप खुद से शूट कर सकते हो। ओके सो अभी इतना करने के बाद क्या करना है हमें, हमें एजर मैप यूज करना है। यहाँ पे आप कोई भी शेडिंग सेलेक्ट कर लो, शेडिंग ऑप्शन यहाँ पे है। ओके आपका ऐसा आ गया, यहाँ पे 0 प्रेस कर दो जिससे कैमरा एंगल सेट हो जाएगा मेरा। ओके मैंने शेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सो आप जेड प्रेस करो, रेंडर पे आओ। ओके ऐसा ऐसा आने के बाद ये शॉर्टकट की इसका है जेड। ओके ऐसा आने के बाद अभी हमें इसको अच्छे से क्वालिटी देना है। सो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वर्ड सेलेक्ट करना है, और हम लोग ज़्यादातर एजर मैप इसी ऑप्शन पे यूज़ करते हैं। ओके अब यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे टाइप करना है इन्वायरमेंट टेक्सचर। ओके ये आ जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ओपन, इसके अंदर ओपन करना है आपको है, जहाँ आपका एजर मैप डाउनलोड किए हो। ओके वहाँ पे जाना है आपको, उसके पाथ को ओपन करने दो। आपके सारे इतना सारा एजर मैप है तो इसको ओपन होने दो एक बार। ओके तो ऐसा एजर में बहुत सारे आप यूज कर सकते हो, मैं से ये ले लेता हूँ फर्स्ट वाला, ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट करने के बाद देखो ऐसा शो कर रहा है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मैप है, आप कोई भी ले सकते हो। ये वाला ले लिया मैंने, थोड़ा डार्क है, इससे क्या होता है रिफ्लेक्शन आता है, मतलब रिफ्लेक्शन आता है, लाइट आता है, देखो शेडो खुद से क्रिएट हो गया। तो हर चीज़ ये प्लेन अगर डिलीट कर देते हो आप, देखो प्लेन अगर हटा देते हो तो शेडो क्रिएट कभी नहीं होगा, अब देखो शेडो चला जाता है। तो उस प्लेन हमें रखना है, प्लेन को बाद में ट्रांसपेरेंसी कर देना है। ओके यहाँ पे बहुत सारे यूजर मैप है, आप ले लो, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। ओके ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, ये वाला ले लिया। ओके अब क्या करना है आपको है, यहाँ पे लेयर ऑप्शन में आना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें HDR मैप ही शो कर रहा है, पर हम चाहते हैं कि हमारा शॉट जो हमने शूट किया वो शो कर, जिससे हमें मैच करने में आसानी हो। तो अभी क्या करना है आपको, आना है इसके अंदर, यहाँ पे ऑप्शन लगा फिल्म बोल के, इसके अंदर आना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ओके तो अभी आपका क्या है, आपका जो सीन जो शूट किया आपने वो दिख रहा है, अभी आपको ये दिख रहा है। ओके अब आपको क्या करना है, ये चाहते नहीं आप, ये जो नीचे ग्राउंड पर वो दिख रहा है आप इसको नहीं चाहते हो, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको दिखा देता हूँ मैं, व्यू पॉइंट एक्शन जॉइंट्स भेज, हाँ सो शैडो कैचर, इसको ऑन करोगे तो आपका ट्रांसपेरेंसी जाएगा। ओके तो अभी देखो आपको देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा तो अभी फिर से आप यहाँ पे एक बार इसको ऊपर कर लो, यहाँ पे क्लिक करो, शैडर लेटर पे आ जाओ, यहाँ पे सिलेक्ट करो इसको एक बार, इसके मटेरियल सब है, कोई भी एक मटेरियल सेलेक्ट कर लो इसके, थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हैं, रफनेस को, रफनेस को, मटेरियल को, थोड़ा सा ये सब यूज करो एक बार। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा अच्छा है तो ठीक है, नहीं अगर लग रहा अच्छा है तो ओके सो थोड़ा सा अच्छे से यूज कर लो। रफनेस थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, ओके 0 प्रेस कर दो। ओके अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वर्ल्ड में आके यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डार्क करूँगा, थोड़ा ज़्यादा वाइट लग रहा है, थोड़ा
थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर दूंगा इससे। ओके अगर आपको लगता है ये अच्छा मैप नहीं है एचडीआर मैप, तो आप मैप भी चेंज कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे मैप है, एक ये वाला है, ये भी ले सकते हो आप, या फिर ये आप मैप चेंज करके देख सकते हो। मुझे ये फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट वाला लेता हूँ। बाकी जो भी रिफाइन है हम लोग कंपोस्टिंग में कर सकते हैं। ओके तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो ये मेरा हो गया फाइनल। अब इसको प्ले करोगे तो प्ले आपका होगा थोड़ा, इसमें प्ले अच्छा से नहीं होता है, इसको आप थोड़ा सा देखो अच्छे से प्ले होगा। ओके तो अभी क्या करना है आपको, सो इतना होने के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये ऊपर है, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। ओके डाउन हो गया। अब जितना हो सके सीसी मैच हम लोग यहाँ पर कर देंगे, और ना फिर हम लोग कंपोस्टिंग कर सकते हैं आफ्टर फिर आके। सो अब क्या करना है, जो मैंने शूट किया है मैं चाहता हूँ इस शूट के भी रिफ्लेक्शन इसके गाड़ी के ऊपर आए, और थोड़ा सीसी अच्छे से मैच हो। तो कैसा करना है आपको, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट करना है, यहाँ पर सेलेक्ट फिर से करना है, न्यू सेलेक्ट करना है, यहाँ मटेरियल जो है अपना शिफ्ट ए प्रेस करना है, इन्वायरमेंट यूज करना है, टेक्सचर लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आपको आना है जहाँ पे आपने शूट किया है उस शूट को ले लेना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको ये ऑप्शन ऑन करना है, इसको ऑन करना है, थोड़ा सा फ्रेम चेंज कर देना। ऐसे मैंने सोच रहा हूँ उसका फ्रेम 15 कर दूँ। ओके ऐसा करके ओके अभी क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग, उसका नाम है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी अगर आपका वर्क नहीं करता है तो आपको आना है एडिट में, प्रीफ्रेंस में आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है नोड बोल के टाइप करना है, ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। अगर ये आपका ऑप्शन ऑन नहीं है तो कंट्रोल टी ऑप्शन काम नहीं करता है। ओके अब क्या करना आपको है, ये जो है इसको रिमूव कर देना, यहाँ से इसको हटा देना, और यहाँ विंडो लिख के जो है इसको यूज कर लेना। इससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, यहाँ का रिफ्लेक्शन आपको इस पर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन जो आपने शूट किया उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इसमें आता है। अब जितना थोड़ा मोड़ा बचा है वो आप कंपोस्टिंग में इसको अच्छे से और रियलिस्टिक कर सकते हो। पूरा प्रोसेस होने के बाद अब आप क्या करो, लेयर पे मॉडलिंग, लेयर पे मॉडलिंग पे आ जाओ, एक बार कैमरा आ जाओ, यहाँ पे ये ऑप्शन सेट कर लो। अभी क्या करना है आपको गाइस, अब ना इसको रेंडर करना है, तो रेंडर जब भी करो, रेंडर जब भी करना है आपको है, पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया इस पर आ जाना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है तो यहाँ पे 1024 भी कर सकते हो आप, बहुत अच्छा क्वालिटी आएगा, बट हमारा सिस्टम उतना अच्छा नहीं और रेंडर में बहुत टाइम भी लगता है, तो क्या करना है हमें 100 या अप्रॉक्सीमेट 200 यूज़ करते हैं हम लोग है, तो मैं 100 ज़्यादा यूज़ करता हूँ, 100 रख दो, 100 रख दो। और क्या करो, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दे इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आप पाथ दे दो कहाँ रेंडर करना है आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेकेंड मैं इसके अंदर रेंडर कर देता हूँ, रेंडर बनाता हूँ फोल्डर, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट में स्लैश है। ओके जब भी रेंडर करो आप सीक्वेंस में करो, जरूरी नहीं कि आप एमओबी इसमें करो, क्योंकि इसमें कैसा है रेंडर बहुत टाइम लगता है। अगर आप पीएनजी में करते हो तो क्या है कि बाद में भी रेंडर खुद से कर सकते हैं, पहले से दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे टाइमलाइन, टाइमलाइन तो बाद में अगर मैं सपोज मैंने आज रेंडर किया आपका 1 से 50 फ्रेम, तो मैं कल भी कर सकता हूँ यहाँ पे सेट करके 51 to 120, तो ऐसे भी आप रेंडर कर सकते हो। तो इसीलिए ज़्यादातर रेंडर कभी करो सीक्वेंस में करो, तो मैं ज़्यादातर पीएनजी रेंडर करता हूँ। ओके और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ कलर मैनेजमेंट, इसमें सेट करना है, इस पर आना है, यहाँ पे आपको sRGB करना है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मीडियम हाई कॉन्ट्रेस्ट कर देना, और अच्छा क्वालिटी आपको आएगा। ओके अब एक बार सिंगल फ्रेम रेंडर कर लो, यहाँ से चेक कर लो कि ट्रांसपेरेंसी तो आ रहा है, क्योंकि सीन इस पर नहीं आएगा, आपका ट्रांसपेरेंसी शो करना चाहिए, अभी आपको शेडो आपका क्रिएट आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है आपके। ओके तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, अब इसको मैं रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर करने के लिए आपको रेंडर पे आना है और रेंडर एनिमेशन में क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे रेंडर होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये तो अप्रोक्सली आपका 1 आवर तो ले लेगा। सो हमारा रेंडर जो है कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप ये रेंडर कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको, ये पाथ कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, इसको ब्लेंडर को हम लोग क्लोज कर देते हैं।
ये हमारा आफ्टर इफेक्ट में हम लोग आगे है, इस दोनों को स्विच ऑफ करके यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे पाथ हम लोग पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी से, इंपोर्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसी एक को, फर्स्ट सिलेक्ट किया हम लोग। ध्यान रखो कि आपका ये PNG सीक्वेंस ऑन होना चाहिए, इसको ऑन रखो, इंपोर्ट करो। यहाँ पे 30 FPS है, हमारा शॉट का FPS क्या है 24, तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा इसका FPS। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, मेन पे आना है, यहाँ पे आपको प्रीमल्ट ऑन करना है जो है, और यहाँ 24 FPS करना है, ओके करना है, फिर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर करना है। अब आप देखोगे तो ये शॉट के साथ पूरा अच्छे से अटैच हो गया है, पर कैसा है अभी आपको CC अच्छे से करना पड़ेगा, मौसम वगैरह सब अच्छे से ऐड करना पड़ेगा। मैंने 120 फ्रेम तक ही रेंडर मारा था, तो आप इसको 120 फ्रेम तक लॉक कर दो, ओके। सो अभी हम लोग CC करेंगे थोड़ा सा इसको हम लोग, ओके। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत हार्ड सेफ है, थोड़ा सा मौसम वेयर हम लोग ऐड कर देते हैं इसके अंदर, तो इसको सिलेक्ट करना है आपको है, एडिट में आना है, यहाँ पे आप इफेक्ट में आओ, सॉरी सिलेक्ट करो पहले, इफेक्ट में आओ, यहाँ पे ब्लर के अंदर आओ, यहाँ पे आप फास्ट बॉक्स ब्लर ले लो, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मत करना, 2 ज़्यादा हो गया, 1 ठीक है, 1 1 दोनों कर दिए, ठीक है हम लोग, ज़्यादा ब्लर हो गया है, थोड़ा सा शार्पन भी ऐड कर सकते हैं, शार्पन थोड़ा सा ऐड कर दो इसके अंदर, हाँ थोड़ा सा शार्पन ऐड कर दो, 2 कर दो, 3 जिसे थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, हाँ तो अभी हमारा थोड़ा सा अच्छे से ऐड हो गया है, ओके। अब थोड़ा CC भी कर सकते हैं हम, तो कैसे करना है आप ये भी ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कैमरा लेंस ब्लर ये भी ऐड कर सकते हो, ये भी हम बहुत यूज करते हैं, पर इसको अभी यूज नहीं, लास्ट में यूज करेंगे हम लोग, एडिट कर देते हैं, ओके। तो अब क्या करना है, CC करना है, तो यहाँ पे कलर आता है लुमेट्री कलर बोल के है, लुमेट्री कलर को ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर करना है आपको है, और यहाँ पे क्रिएटिव बेसिक सब कुछ है, तो बेसिक्स में आना है, यहाँ पे थोड़ा सा CC को अच्छे से मैच करना ट्राई करो, जितना अच्छे आप CC मैच कर पाओगे उतना अच्छा कंपोस्टिंग आपका अच्छा होगा। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रेक्स्ट है इसको कर लो, थोड़ा हाईलाइट है इसको थोड़ा सा कर लो, शेडो थोड़ा सा कम कर लो, वाइटनेस कम कर देते हैं, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, ओके। क्रिएटिव यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ये सब यहाँ पे थोड़ा टिंट चेंज कर देते हैं, ओके, थोड़ा सा ये रेडिश कर देते हैं, कर्व है, इतना हो गया है। जितना अच्छे से आप कंपोस्टिंग कर पाओगे उतना अच्छा आपका क्वालिटी आएगा। इसको मैं प्रीकॉम करता हूँ, राइट क्लिक करके प्रीकॉम कर देता हूँ, एक मैं लेयर लेता हूँ, न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ MB मतलब मोशन ब्लर, यहाँ पे मैं आता हूँ कैम लेंस ब्लर, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे 1 रखता हूँ, 2.5, ओके। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे थोड़ा सा मौसम ब्लर इसका इंक्रीज होगा, 3, ओके। अब देखो जैसे जैसे आगे गया वैसे वैसे थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ले देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा CC करते हैं, लुमिट्री कलर ले लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे CC कर देते हैं हम लोग, ओके, थोड़ा सा टिंट ज़्यादा हो गया, एक्सपोजर थोड़ा सा, कॉन्ट्रेस्ट ओके, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, क्रिएटिव कर भाई ये यूज नहीं करना मुझे, यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा लाइट, ओके। अगर आपको लगता है कि इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, एस्पेस करके ऐसे थोड़ा चेंज कर सकते हो, इसका पोजीशन भी मैच कर सकते हो, पर ट्राई करो कि ऐसा ना करे, अगर आपको करना है तो पहले ही कर लो ब्लेंडर के अंदर, ऐसा ना करे। सो ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया है, अब इसको आप रेंडर भी कर सकते हो, तो फाइल एक्सपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है,
बेस्ट सेटिंग में आके 30 FPS कर दो या 24 FPS कर दो, जो आपका FPS है, हाई क्वालिटी में जो भी लेना, आपको क्यूब टाइम ले सकते हो, AVI ले सकते हो। मैं क्यूब टाइम यूज़ करता हूँ, फॉर्मेट ऑप्शन में आके ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ। ओके, साउंड है तो ऑन कर देना इसको, ओके करना, और यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं रेंडर कर देता हूँ। रेंडर ये होने के बाद आप इसको प्ले करोगे, तो प्ले होगा, सो अब तो प्ले हो रहा है। ओके, सो ये आपके आउटपुट है। आप जितने अच्छे से कंपोस्टिंग करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। आप वहाँ भी अच्छे से कंपोस्टिंग कर सकते हो, यहाँ भी अच्छे से कंपोस्टिंग कर सकते हो, पर जो प्रोसेस है आपका यही है, आप इसको यूज कर सकते हो। सो आज के इतना ही, सो थैंक यू गाइस।